जिसके साथ आप पूरी जिंदगी बिताने वाले थे, अगर उसने आपको धोखा दिया तो उस रिलेशनशिप का और आगे वाली रिलेशनशिप का मीनिंग क्या रहता है। हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी मूवी अर्डोर ये 2002 की एक कोरियन इसी कंसेप्ट पर बेस्ड मूवी है। ये मूवी हमें बताती है कि आप कोई भी गलत काम कर रहे हो इसे किसी भी रीजन की वजह से जस्टिफाई नहीं कर सकते। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिए जिससे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। अभी ना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होने पर हमारे मेन कैरेक्टर जिसका नाम है यूजिन, ये अपनी बेटी के साथ सुपरमार्केट में हमें दिखाई जाती है। ये हमसे कहती है कि मेरी लाइफ बहुत ही परफेक्ट थी, उसका लव मैरिज था, अपने सीनियर से ही उसने शादी की थी, वो आजकल अपनी लाइफ से खुश थी और उसे लग रहा था कि ऐसा ही हमेशा चलता रहेगा। उस रात भी उसे यही लगा था। अचानक से उनके डोर पर नॉक आए और एक लड़की वहां थी, ये उसके हस्बैंड की कलीग थी। वो एक अलग कंट्री में जाने वाली थी तो लास्ट टाइम यूजिन के हस्बैंड से मिलने के लिए आई हुई थी। वो उसे डायरेक्टली पूछती है कि तुम आए क्यों नहीं। उस लड़की ने यूजिन को एक्सप्लेन करने के लिए कहा कि आपके हस्बैंड ने मुझे बहुत हेल्प की है, जाने से पहले मैं उनसे मिलना चाहती थी। वो बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो चुकी थी और यही पर यूजिन के हस्बैंड के साथ इंटीमेट होना चाहती थी। उसकी बातों से यूजिन को पता चल गया कि उसके हस्बैंड और इस लड़की में अफेयर चल रहा था। गुस्सा होकर उसे निकल जाने के लिए कहती है और अपने हस्बैंड पर भी गुस्सा थी तो अलग रूम में चली गई। इस लड़की को यूजिन का हस्बैंड घर से बाहर निकालने की कोशिश करता है और ये लड़की डायरेक्टली यूजिन के पास आ गई। कहती है, तुम्हें क्या पता हमारी रिलेशनशिप के बारे में, मैं उससे प्रेग्नेंट भी थी, मैं उसकी पूरी दुनिया हूँ, तो हम दोनों के बीच में नहीं आ सकते। तुम उसकी वाइफ हो, तुम्हारा उस पर जितना हक है उतना ही मेरा भी है। इन दोनों में फिर झगड़ा हो गया और उस लड़की ने एक चीज जोर से यूजिन के सर पर मारी। इस इंसिडेंट के बाद डायरेक्टली 6 महीने गुजर चुके हैं। हम देखते हैं कि यूजिन अपनी बेटी को स्कूल में छोड़ने के लिए आई हुई थी। ये टाउन नया नया है। यूजिन के सर पर बड़ी चोट आई थी और उसी वजह से अभी भी उसे पेन होता है। फर्स्टली यूजिन और उसका हस्बैंड सियोल में यानी कि सिटी में रहा करते थे, पर अब डायरेक्टली एक टाउन में आ चुके हैं। सर पर चोट लगने की वजह से यूजिन की तबीयत अब ठीक नहीं रहती, दिन भर उसे स्लीपीनेस रहता है। अपने मैरिज को बचाने के लिए उसके हस्बैंड ने सियोल को जॉब छोड़ दिया है। अब वो इस छोटे से टाउन में आकर एक छोटा सा शॉप चलाता है। यूजिन अभी भी उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा है तो उससे ज्यादा कुछ बात नहीं करती। जिस टाउन में वो है ये बहुत ही बोरिंग टाउन है, करने के लिए कुछ भी नहीं। यूजिन को ड्राइव पर जाना अच्छा लगता है। उसका हस्बैंड स्मोकिंग छोड़ने का ट्राई कर रहा था तो इसी एडिक्शन को दूर करने के लिए उसके पास मेडिटेशन की सीडीज वगैरह थी। ये सब यूजिन जाकर फेंक आती है। ड्राइव करते हुए एक हिल पर रेस्ट स्टॉप था जहां पर वो रुकी हुई थी। रेस्ट स्टॉप लेडी ये जरा वियर्ड लगती है। घर आते वक्त यूजिन की गाड़ी बंद पड़ गई। आसपास एक घर था जहां वो गई, यहाँ सब कुछ अबैंडन पड़ा हुआ था। यहाँ पर एक कपल की फोटो फ्रेम थी, ये इंडिकेट करता है कि उनकी फैमिली भी बर्बाद हो चुकी थी। यूजिन की गाड़ी रास्ते पर ही थी तो उसे हॉन्किंग की आवाज आती है। हॉन्किंग करने वाला ये हमारा और एक मेन कैरेक्टर है, इसका नाम है इंगो। यूजिन उसे कहती है कि गाड़ी अचानक से बंद पड़ गई तो इंगो ने इस गाड़ी को देखा। उसे पता चला कि गाड़ी में पेट्रोल ही खत्म हो चुका है। वो फिर यूजिन को पेट्रोल लाने में हेल्प करता है। इंगो कहता है कि हम दोनों नेबर्स हैं। उसके घर से यूजिन का घर दिखता है। यूजिन इस पर कुछ भी बात नहीं करते। उसने उसकी इतनी सारी हेल्प की पर पूरे रास्ते में वो कुछ भी नहीं बोली। इंगो कहता है, लगता है तुम अपने ही वर्ल्ड में खोई हुई हो। इसके बाद यूजिन यहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यूजिन और उसके हस्बैंड अपने फ्रेंड्स के साथ लंच कर रहे थे। यूजिन और फ्रेंड की वाइफ, इन दोनों में कन्वर्सेशन होती है। फ्रेंड की वाइफ कहती है, तुम हमेशा घर पर ही रहती हो, क्या तुम बीमार हो? लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। इस टाउन में बहुत ही ज्यादा गॉसिप चलता है, थोड़ा सा भी कुछ हो गया तो सारे टाउन को पता चल जाता है। यहाँ हमें ये भी पता चला इंगो अकेला ही रहता है। लोगों ने वंडर किया था कि एक डॉक्टर जिसकी वाइफ है वो अकेला क्यों रहता है। स्कूल से घर आते वक्त यूजिन की बेटी अपने एक फ्रेंड को भी लिफ्ट देने के लिए कहती है। यूजिन की बेटी की फ्रेंड ये रेस्ट हाउस लेडी की ही बेटी है। रेस्ट शॉप लेडी को पसंद नहीं आता उसकी बेटी किसी स्ट्रेंजर के गाड़ी में घर पर आई। घर आने के बाद यूजिन टीवी के सामने बैठी और बहुत रो रही थी। उसका हस्बैंड जब घर पर आया तो उसे पूछता है, ऐसा क्या हुआ है? वो कहती है कि मैं फिर से नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकती। हस्बैंड ने उस पर चीट किया तो अभी भी उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। उसे लगता है उसके हस्बैंड को मर जाना चाहिए था, और इससे भी बेटर यह होता कि उसे पता चलने के पहले वो खुद मर जाती। हस्बैंड इस पर नाराज हो गया, कहता है मैं भी इस मैरिज को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं सब कुछ छोड़ छाट कर यहाँ पर एक छोटा सा शॉप चला रहा हूँ और तुम हमेशा कंप्लेंट करती रहती हो। एक दिन यूजिन फिर से रेस्ट स्टॉप पर आकर वही हैंग आउट कर रही थी।
वहां पर इंगू पहुंचता है, उसे देखकर कहता है कि वेदर बहुत ही अच्छा है, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो, ये लाइफ इम्पोर्टेंट है इस तरह से वेस्ट करने के लिए। उसने उसे कॉफी के लिए पूछा। ये सीन हमारा यही खत्म हो जाता है। एक दिन यूजिन घर पर काम कर रही थी, अचानक से उसका सर बहुत ही ज्यादा दुखने लग गया। उसकी जो भी सब मेडिसिन थे अब वो खत्म हो चुके हैं। उसे पता था कि इंगू एक डॉक्टर है, तो उसे मिलने के लिए वो आई। इंगू से पूछता है कि कब से तुम्हें ये पेन हो रहा है। इंजू कहती कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था। उसने मेडिसिन का नाम बता दिया, कहा कि मुझे सिर्फ इसका प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, ज्यादा कुछ उसकी चेकअप की जरूरत नहीं है। इंगू भी उसे दे देता है। वो उसे कहता है, तुम्हारा सर दुख रहा है क्योंकि तुम हमेशा सोई रहती हो, तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। यूजिन को जाते जाते उसने रोक लिया, कहता है कि चलो हम एक गेम खेलते हैं। समर आने तक 4 महीने है, तब तक हम कपल की तरह रहेंगे, मजे करेंगे, इंटीमेट होंगे। मुझे सिर्फ कोई रिलेशनशिप नहीं चाहिए। अगर मैंने या तुमने मुझे आई लव यू कहा तो ये गेम हम यही खत्म कर देंगे, जिसके बाद हम एक दूसरे से नहीं मिल सकते। यूजिन पूछती है कि तुम ये सब क्यों करना चाहते हो। वो कहता है कि लाइफ बहुत चेंज होती रहती है, उसे रिलेशनशिप नहीं चाहिए और यूजिन उसे अच्छी लगती है। यूजिन ने पूछा, तुम प्यार क्यों नहीं कर सकते। इंगू कहता है कि पहले प्यार करना, उसके बाद कन्फेशन, फिर शादी, उसके बाद फिर हम इंटीमेट होते हैं, उसे इतना सारा टाइम वेस्ट नहीं करना। यूजिन कुछ भी बोले बिना वहां से चली गई। इंगू कहता है, तुम्हारी लाइफ बोरिंग है, मुझे पता है तुम वापस आओगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यूजिन की बेटी की फ्रेंड को वो फिर से घर पर छोड़ रही थी, यानी कि रेस्ट शॉप की लेडी के पास। रेस्ट शॉप से बहुत सारी आवाजें आ रही थी। एक्चुअल में रेस्ट शॉप लेडी का हस्बैंड उसे बहुत मार रहा था। वो भागते भागते घर से बाहर आती है। यूजिन ने उसे वहां से भागने के लिए अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी। रेस्ट शॉप लेडी कहती है कि जब मैं बार में काम करती थी तभी मेरा हस्बैंड मुझे मिला था, वो मुझसे प्यार करता है पर अपनी ड्रिंकिंग की वजह से हमेशा मुझे मारता रहता था। वो अलग अलग टाउन में जाती रहती है, उससे भागने की कोशिश करती है पर हर बार उसे ढूंढ नहीं लेता है। एक दिन बहुत सारी बारिश हो रही थी। इंगू यूजिन के घर के बाहर गाड़ी रोकता है और उसे देख रहा था। वो फिर गाड़ी से आगे चला गया। यूजिन ने नोटिस किया और वो भी अपनी गाड़ी में उसका पीछा करती है। अब यूजिन इंगू की गाड़ी में है, उससे पूछती है, तुमने जितने भी बार ये गेम खेला है क्या तुम्हें कभी प्यार नहीं हुआ। जिस तरह से इंगू यूजिन को गेम खेलने के लिए बोल रहा है उसी तरीके से इंगू को भी एक लेडी ने गेम खेलने के लिए बोला था, उसी के प्यार में इंगू पड़ गया था। वो फिर उसका पीछा करता था, उसने बहुत मारपीट की थी। वो कहता है कि तब मैं बहुत ही घटिया आदमी था। यूजिन पूछती है, ये गेम कौन खेलना चाहेगा। इंगू कहता है, ये ऐसी वुमन जो बर्बाद होना चाहती है। इंगू उसे एक मोटल में लेकर आता है और वहां पर ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इंटीमेट होने के बाद इंगू यूजिन से कहता है, तुम बहुत ही अमेजिंग थी, मैं तुम में पूरी तरीके से खो गया था। यूजिन को बहुत अच्छा लगा। वो उसे पूछती है कि तुम्हारी वाइफ को इसके बारे में पता है। वो कहता है कि उसे पता है पर जब तक मैं उसके सामने ये सब नहीं करता तब तक उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इसी वजह से यहाँ इस टाउन में आकर वो अकेला रहता है। अब इन दोनों का मिलना स्टार्ट हो गया। एक दिन ऐसे ही मिलने वाले थे पर यूजिन के हस्बैंड ने कहा कि एज अ फैमिली हम बहुत दिनों से कहीं नहीं गए। यूजिन उसे मना नहीं कर पाए, उसके साथ चली गई। यूजिन और उसका हस्बैंड जब रेस्ट स्टॉप पर रुके तो यहाँ इंगू भी था। एक दूसरे को नोटिस कर इग्नोर कर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। यूजिन का हस्बैंड दिन भर उसके साथ था, रात में भी घर पर ही है तो इंगू को कॉन्टैक्ट नहीं कर पाए। वो फिर किचन की खिड़की से उतर कर डायरेक्टली इंजू के घर पर आ जाती है। उसने उसे बताया कि वो कैसी आई पर इस पर इंगू गुस्सा हो गया। कहता है, इस तरीके की डेंजरस चीजें तुम्हें नहीं करनी चाहिए। वो उसे देखकर खुश नहीं था तो यूजिन को बहुत ही अजीब लगा। वो कहती है कि हम दोनों आज मिल नहीं पाए, इसी वजह से मैं आई थी। इंगू कहता है, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। यूजिन भी गुस्से में वहां से चली गई। घर में आते वक्त यूजिन के हस्बैंड ने उसे देख लिया तो पूछता है कहाँ गई थी। वो कहती कि मैं वॉक के लिए गई थी। आज रात उसका हस्बैंड उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था तो वो भी उसे अलाउ करती है। इंगू की वाइफ सिटी में रहती है, वो एक दिन अपने फ्रेंड्स को लेकर उसे विजिट करने के लिए आई हुई थी। हर साल अपने फ्रेंड्स को लेकर आती है और ये बहुत मजे करते हैं। यूजिन ने देखा तो इंगू के सामने से वो थ्रैश फेंकने के लिए गई। वो जंगल में बहुत ही आगे चली गई थी तो इंगू भी उसके पीछे पीछे आता है। यूजिन उससे आई लव यू कहती है। इंगू सरप्राइज्ड हो गया तो कहती है कि मैं सिर्फ प्रैक्टिस कर रही थी। आई लव यू का मतलब है वो कभी भी गेम से एग्जिट हो सकती है, इसी को प्रैक्टिस थी। इसके बाद ये दोनों यही जंगल में इंटीमेट हो जाते हैं। इंगू को उसके फ्रेंड्स ढूंढ रहे थे पर इन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। यूजिन एक रात अपने हस्बैंड के साथ थे और उसे इंगू की याद आ गई। वो बहाना बनाती है कि वो अपने एक फ्रेंड के पास जा रही है
और डायरेक्टली इंगू के पास आई। इंगू से पूछता है, तुम यहाँ ऐसे कैसे आ गए? वो कहती है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। वो इस रिलेशनशिप को अब सीरियसली ले रही है। इंगू कहता है, तुम्हें रियलाइज करना चाहिए ये कुछ भी सीरियस नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, यूजिन की सिस्टर का मेमोरियल था, इसलिए अपनी मदर को मिलने के लिए वो सियोल जाने वाली थी। वो इंगू से पूछती है, अगर तुम चाहो तो हम दोनों वहां मिल सकते हैं, पूरी रात एक साथ स्पेंड कर सकते हैं। इंगू भी इसके लिए मान जाता है। सिस्टर की मेमोरियल पर वो अपनी मदर के पास आई हुई थी। उसकी मदर कहती है कि अब हमें मूव ऑन कर लेना चाहिए। उसकी सिस्टर के हस्बैंड ने भी शादी कर ली, तो इनका ये मेमोरियल करने का कोई भी पॉइंट नहीं है। यूजिन की पहले ही अपनी मदर के साथ उतनी अच्छी रिलेशनशिप नहीं थी। वो साल भर में एक बार मिलते थे, अब वो भी नहीं मिलेंगे। टाउन में यूजिन और इंगू मिले और एक जगह पर डिनर करने के लिए आते हैं। इंगू यहाँ पर बहुत ही बोर लग रहा था। यूजिन उसे पूछती है कि हम वॉक करने के लिए जा सकते हैं। इंगू ने इसके लिए भी मना कर दिया। वो उसे पूछती है कि अगर तुम्हें नहीं आना था तो आए ही क्यों? वो गुस्सा होकर कहती है, मैं भी गलत कर रही हूँ, अगर तुम मुझसे बोर हो चुके हो तो वैसे बता दो, हमें रिलेशनशिप एंड कर देंगे। इंगू कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता। यूजिन इस रिलेशनशिप में बहुत ही इन्वेस्टेड है, तो उसे डर लग रहा है। ये दोनों अगर इमोशनली इन्वॉल्व हो गए तो प्रॉब्लम हो सकता है। इंगू डर रहा है क्योंकि जब भी वो रिलेशनशिप में था तो उसे कमिट नहीं कर पाया। वो डिस्टर्ब था क्योंकि टाउन में सब लोगों को उन दोनों के बारे में पता चल चुका है। यूजिन कहती कि ठीक है, अब हम इस खेल को बंद कर देंगे। इंगू जब उसे घर छोड़ रहा था तो एक बस वहां से गुजरे और टाउन के सब लोगों ने इन दोनों को एक साथ देख लिया। इन दोनों के रिलेशनशिप की जो भी रूमर्स थे वो कन्फर्म हो गए। एक दिन यूजिन के घर पर कुछ वर्कर्स आए। एक्चुअल में यूजिन का हस्बैंड एक फिश पॉन्ड बनाने वाला था, तो यही बनाने के लिए ये सब वर्कर आए हुए थे। यहाँ आवाज हो रहा था तो यूजिन कहती है, मेरी बेटी को लेकर मैं कहीं बाहर जाती हूँ। वर्कर्स ने कहा कि जल्दी वापस आ जाना क्योंकि उनका काम खत्म हो जाएगा। टाउन में यूजिन फिर से इंगू को नोटिस करती है। वो उसे कहती है कि थोड़े टाइम में हम मोटेल में मिलते हैं। वो अपनी बेटी को रेस्ट शॉप लेडी के पास छोड़ देती है और फिर मोटेल आती है। इंगू ने अब रियलाइज किया है कि उसे भी यूजिन के साथ रहना है, पर वो डर रहा है। वो उसे कहता है, अगर हम एक साथ रहे तो हम जो मिस्टेक कर रहे थे वही मिस्टेक हम बार बार करेंगे। तुम मुझसे झूठ कहोगे, मैं भी फिर से गेम खेलना स्टार्ट कर दूंगा, ये पूरा सही नहीं होगा। ये दोनों फिर इंटीमेट हो गए। इंटीमेट होने के बाद वो कहता है, हम दोनों ने एक मैरिड लाइफ जी है, हमें पता है कि हमारे लिए नहीं है, और फिर भी ये दोनों ट्राई करने वाले हैं। जब यूजिन मोटेल से वापस आए तो बाहर ही उसका हस्बैंड उसका वेट कर रहा था। उसे उसके अफेयर के बारे में पता चल चुका है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। यूजिन कहती है कि मुझे डिवोर्स चाहिए। वो कहता है कि मैं तुम्हें इस तरह से जाने नहीं दे सकता। उसने अपनी पूरी लाइफ यूजिन के लिए दी है, तो बहुत ही गुस्सा था। वो उसे बहुत मारता है। यूजिन ने रियलाइज किया कि जिस तरह से रेस्ट शॉप लेडी का हस्बैंड उसे हमेशा कैद करके रखना चाहता है, उसी तरीके से उसका खुद का भी हस्बैंड है। वो फिर रेस्ट शॉप पर आई। रेस्ट शॉप लेडी ने अपना शॉप बेच दिया था, तो वहां पर यूजिन इंगू को बुलाती है। उससे कहती है कि मैं अब फिर से घर नहीं जा सकती। इंगू उसके पास आता है, उसकी मलम पट्टी वगैरह करता है। उसने उसे कहा कि हमें लगता है कि अच्छे लोगों को प्यार होता है, पर एक्चुअल में जो प्यार करते हैं वो बहुत ही सेल्फिश लोग होते हैं। उनके पास के सब लोगों को हर्ट करते हैं। इसी टाइप की इन दोनों की रिलेशनशिप है। यूजिन बहुत रोती है कि अब वो घर फिर से वापस नहीं जा सकते। उसके पास अपनी बेटी का फोटो भी नहीं है। उसे डर लगता है कि शायद अपनी बेटी का फेस भी वो भूल जाए। अगले दिन यूजिन और इंगू ने दोनों ने डिसाइड किया कि अब ये अलग टाउन में जाकर रहेंगे, इनकी रिलेशनशिप को एक सही से चांस देंगे। इंगू ने भी डिसाइड किया था कि शायद वो फेल होंगे और फिर भी ट्राई करने वाले हैं। गाड़ी से जाते जाते उनका एक्सीडेंट हो गया। यूजिन कहती है कि मैं हॉस्पिटल में थी, जब मुझे होश आया तो मालूम पड़ा कि इंगू की डेथ हो चुकी है। इसके बाद वो फिर से घर पर नहीं गई, तो इंडिपेंडेंट एक सिटी में रह रही है। वो कहती है कि मैं अभी भी अकेली हूँ, रात में अकेली रोती रहती हूँ, पर फिर भी वो अब खुश है। वो इंडिपेंडेंट है, कोई उसके साथ हो, इसी वजह से वो किसी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती। फ्यूचर में कभी ना कभी उसे खुशी मिल ही जाएगी, इसके लिए होपफुल है। अगर हम इस मूवी की बात करें तो यूजिन का हस्बैंड भी गलत था, और वो भी जिनका हस्बैंड उसने अपनी मिस्टेक सुधारने की कोशिश की, पर वो अनफेथफुल था, इसके कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। यूजिन डिप्रेस्ड और अकेली थी, तो इसी वजह से वो इंगू के साथ थी। जो चीज गेम्स में स्टार्ट हुई थी वो सीरियस बन गई। ये अपनी रिलेशनशिप को ट्राई करने वाले थे, तभी इंगू का एक्सीडेंट हो गया। यूजिन के साथ लाइफ में बहुत सारी चीजें हुई,
पर फिर भी वो फ्यूचर को लेकर ऑप्टिमिस्टिक है। इसी तरीके से मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।